नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉक स्टडी में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस और झारखंड बीएड एडमिशन 2020 में किस प्रकार से होगा, उसके बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप ऐसे ही सारे डिटेल्स चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड बीएड से रिलेटेड सारे वीडियोज और पिछले साल के भी वीडियो, पिछले साल का भी प्रोसेस आपको उपलब्ध हो जाएगा। कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, सारी चीज़ें यहाँ आपको उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे समस्या इस वर्ष कोरोना के कारण हो रही है। आप सभी ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मेरे हिसाब से कर लिया होगा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, झारखंड में बीएड कॉलेज में एडमिशंस लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे समस्या कोरोना के कारण हो रही है और एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है, ऐसा झारखंड सरकार का मानना है। और झारखंड सरकार शिक्षा विभाग हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया जा चुका है। हाँ जी हाँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निर्णय लिया जा चुका है कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा। हालांकि अब भी चेंज हो सकता है क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स अब लेने का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया जा चुका है कि झारखंड बीएड के लिए एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा और झारखंड बीएड के साथ साथ पॉलिटेक्निक का भी एडमिशंस मेरिट के अनुसार होगा, जो कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के पॉइंट जोड़ करके जिसका पॉइंट फुलफिल हो पाएगा उसी के हिसाब से आपका एडमिशंस होगा। इसका एक सिस्टम है, जैसे कि 60-70% के लिए इतना पॉइंट होगा, ऐसे करके पॉइंट जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम्स लिया जाना चाहिए या फिर नहीं लिया जाना चाहिए, मार्क्स के बेसिस पर एडमिशंस होना चाहिए। तो यदि आपका जिस प्रकार से कमेंट होगा उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे, और यदि अधिकतर लोगों का कमेंट आएगा कि नहीं एग्जाम्स होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे ऑनलाइन ही, जैसे कि टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर लीजिएगा, यानी कि सभी से हम कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, सभी बात मिला लेंगे। और फिर हम लोग ट्विटर पे हैशटैग अभियान चलाएंगे, झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम्स लिया जाए, अन्यथा यदि सभी लोग चाहते हैं कि मार्क्स, अधिकतर लोग चाहेंगे कि मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशंस हो जाए और एंट्रेंस ना हो, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर एडमिशंस होगा। सबके एग्जाम्स में मार्क्स होंगे ही और एडमिशंस तो होगा ही, बाकी बात है कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशंस होगा उसमें थोड़े पैसे अधिक लगते हैं और आपके नज़दीकी कॉलेज में नहीं हो पाएगा एडमिशन, तो झारखंड में दूसरे जगह कॉलेज में हो जाएगा, कम मार्क्स होगा। फिर भी यहाँ पे आप न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन पे, किस प्रकार से इसके बारे में न्यूज छपी है, यहाँ पर अंडरलाइन करके हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ में क्या लिखा गया है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे झारखंड बीएड प्लेलिस्ट मिल जाएगा नौकरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप कर सकते हैं। और नीचे हम इंस्टाग्राम का लिंक देंगे जहाँ से आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज होगी तो पूछ सकते हैं, और नौकरी स्टडी को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, वहाँ पर हम आपका जवाब देंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक बीएड के जो कैंडिडेट हैं, बीएड के लिए अप्लाई किए हैं, बीएड का एडमिशन लेना चाहते हैं, उन तक शेयर करें ताकि सभी लोग मिलकर कुछ डिसीजन ले सकें और एक साथ रहें, ताकि कुछ भी समस्या आने पर हम एक साथ प्रतिकार कर सकें। साथ ही जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर झारखंड बीएड करने के दौरान टीचर्स वैकेंसी सारे झारखंड के अपडेट यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।